I am Ajaypal sir from Vekkanam Senior Secondary School Bani. Now start the next NCERT questions of class 7th chapter 6th physical and chemical change. Now we discuss these questions. Now the first question is classify the flowing change involved in flowing process as physical and chemical change. आपने ये जो नीचे चेंज दे रखे हैं उसको क्लासिफाई करना है कि ये क्या फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है. तो फर्स्ट इज फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस इज ए केमिकल चेंज. डिजोल्विंग शुगर इन वाटर इज ए फिजिकल चेंज. बर्निंग ऑफ कोल इज केमिकल चेंज. मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ फिजिकल चेंज. तो बर्निंग यहाँ भी आ जाए दैट इज द केमिकल चेंज. जो मेल्टिंग आ जाए यहाँ पे दैट इज द फिजिकल चेंज. बीटिंग अल्मोनियम टू मेक अल्मोनियम फॉयल दैट इज द फिजिकल चेंज. डाइजेशन ऑफ फूड इज केमिकल चेंज. स्ट्रेट वेदर दी फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. इन केस ऑफ स्टेटमेंट इज फॉल्स राइट द करेक्ट स्टेटमेंट इन योर नोटबुक. ओके तो आंसर फर्स्ट इज कटिंग ए लॉग ऑफ वुड इन टू पीस इज ए केमिकल चेंज. दिस इज द फॉल्स. ओके दिस इज द फिजिकल चेंज. फॉर्मेशन ऑफ मैनोर फ्रॉम लीव्स इज ए फिजिकल चेंज. फॉल्स आएगा ये भी. ओके ये केमिकल चेंज होता है. आयरन पाइप कोट विद जिंक डू नॉट गेट रस्ट इजली. ट्रू है ये बिल्कुल. दैट इज द गैल्वेनाइजेशन. आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंस. ये फॉल्स है क्योंकि आयरन जो रस्ट होता है दैट इज Fe2O3 वो ऑक्साइड ऑफ आयरन बन जाता है. कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट ए केमिकल चेंज. दैट इज द ट्रू. फिल इन द ब्लैंक्स. When carbon dioxide is passed through lime water, it turn milky due to formation of calcium carbonate. Okay, calcium carbonate बनने की वजह से carbon dioxide जब हम lime water में से पास करते हैं तो वो milky हो जाता है. Lime water क्या होता है? CaO, calcium oxide. Carbon dioxide CO2. The chemical name of baking soda is sodium bicarbonate. That is NaHCO3. Two method by which rusting of iron can be prevented are greasing and galvanization. Changes in which only physical property of substance change are called the physical change. Change in which new substance are formed is called the chemical change. And next question is question number 4th. When baking soda is mixed with lemon juice, bubbles are formed with the evolution of gas. What type of change in it? This is chemical change as new product are formed. Okay, ये क्या होगा? एक chemical change होगा क्योंकि इसके अंदर new product formed हो रहे होंगे. Okay, that's baking soda plus lemon juice is equal to salt plus carbon dioxide plus water. When acid react with carbonates, salt is formed releasing carbon dioxide and water. Next question number 5th. When a candle burn, both chemical and physical change take place. Identify these change. Give another example of familiar process in which both the chemical and physical change take place. That's physical change. When heating candle wax get melted is a physical change. Since it again turn into solid wax on cooling. Okay. So, jo aap कैंडल है उसके अंदर केमिकल और फिजिकल चेंज दोनों होते हैं. आपने प्रूव करना है जब हम उसको हीट करते हैं तो वो मेल्ट होती है तो वो क्या होता है? एक फिजिकल चेंज होता है. और जो वैक्स है वो जब हम बर्न करते हैं न्यू सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन सूट वाटर वेपर हीट और लाइट बनते हैं दैट इज द केमिकल चेंज. ओके कुकिंग ऑफ फूड इज अनदर एग्जाम्पल वेयर बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक प्लेस. कुकिंग ऑफ फूड के अंदर भी दोनों चेंज होते हैं. तो आज हम इतने ही करेंगे. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल डिस्कशन करेंगे. तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. आप समझ चुके हो जो हमने आज डिस्कशन किया है ये आपने अच्छे से रीड आउट करना है. ओके और ये क्वेश्चन जिन्होंने नहीं लिखे हुए वो अपनी फेयर नोटबुक पे भी ये क्वेश्चन लिखेंगे. तो आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके टेक केयर स्टे होम स्टे सेफ बाय.